हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्सियो। सो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। बेसिकली ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो क्या बेसिक डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आप हम कवर करेंगे, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 2nd अगस्त 2021 से स्टार्ट होगी अभी टाइम है, एंड लास्ट डेट है 1st सितंबर 2021। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन बता देती हूँ जिसमें आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। तो 1st सितंबर 2021 जो कि आपकी क्लोजिंग डेट है, यही आपका कैलकुलेशन डेट है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना है कि आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 15 इयर्स टू 24 इयर्स रहेगी, और इस डेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, सो एसटी एससी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 इयर्स, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एज लिमिट को लेके, तो जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर आते हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ज़रूर चेक कर ले। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम इतना टू इतना है देन आप एलिजिबल हो, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए एज लिमिट को लेके, ठीक है। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका मेट्रिकुलेशन हो गया हो, मतलब आपने 10th पास आउट कर लिया है मिनिमम 50% के साथ, और इसके लिए भी आपका रिजल्ट आ चुका हो। अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि ट्रेड वेल्डर, वायरमैन एंड कारपेंटर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 8th पास, ठीक है। इसके अलावा ITI सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका ITI ट्रेड क्या होना चाहिए ये यहाँ पे गिवेन है। तो टोटल 19 ट्रेड है, इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। सो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 100 रुपीज़, और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम डिसेबिलिटी गिवन है ट्रेड वाइज, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड एंड मल्टीपल डिसऑर्डर के लिए क्या मैक्सिमम डिसेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो ट्रेड वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे गाइस आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ना ही कोई वाइवा होगा। यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन होगा आपका आपके मेरिट के बेसिस पे। तो 10th में जो भी परसेंटेज है या ITI में जो भी परसेंटेज है, इन दोनों का एवरेज परसेंटेज निकाला जाएगा और वही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। 10th में आपके मिनिमम 50% होना रिक्वायर्ड है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसके लिए 8th पास रिक्वायर्ड है, तो उसमें आपका 8th के मार्क्स और ITI का मार्क्स, इन दोनों का एवरेज परसेंटेज या एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सो जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होंगे उसको डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें जितनी भी वैकेंसीज है टोटल अराउंड 1664 वैकेंसी है, तो 1.5 times आपके वैकेंसी का उतने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मेरिट के बेसिस पे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिंपल प्रोसेस है। अगर जो लोग भी रेलवे में जाना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में जब जॉब के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। सो फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के लिए है, तो आपका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का रहने वाला है, और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अराउंड 7000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड या सैलरी कह सकते हैं। यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, लेकिन ये जो आगे आने वाले जो जॉब्स है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो डेफिनेटली जो भी 10th या 8th पास कर चुके हैं, ITI पास कर चुके हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं तो ये आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने जॉब को बूस्ट करने के लिए। तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए, अभी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये 2nd अगस्त से ही लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो अभी से आप ट्राई मत करने लगना,
चलिए 2021 के लिए जो स्लॉट्स हैं डिवीज़न वाइज दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। फिटर के लिए आप देख सकते हैं 335 वैकेंसी है, और टोटल सबसे ज़्यादा इसमें प्रयागराज डिवीज़न में सबसे ज़्यादा टेक्निकल फिटर के लिए वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, एंड देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं मैक्सिमम अगेन टेक्निकल फिटर के लिए वैकेंसी है। उसके बाद झांसी डिवीज़न में देख सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप डिटेल में देख लीजिएगा। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही 10th 12th या ग्रेजुएशन के बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वैकेंसीज आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।